सो व्हाट इज अप फ्रेंड, दिस इज एस्टर एडिट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। सो फ्रेंड, आज का इस ट्यूटोरियल वीडियो पर मैं प्रीव्यू की तरह वीडियो क्रिएट करना सिखाऊंगा। गाइस लिटरली मैं बोल रहा हूं, इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है, बट अगर आप लोग यहां पर वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत हार्ड लगेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप सारा चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड कम नाउ, लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, इस तरह का वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कैन मास्टर पर आकर स्लोमो के साथ एक गेम प्ले वीडियो को इंपोर्ट कर लेना होगा। और ये बात मैं लास्ट टाइम भी बोला था, लेकिन मैं फिर से और एक बार इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आपको एक गेम प्ले वीडियो इंपोर्ट कर लेना होगा और साथ में एक स्लोमो भी क्लिप होना चाहिए इसका बीच। और अगर आप सभी को यहाँ पर स्लोमो क्रिएट करना नहीं आता है, तो आई बटन पर एक वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो को देख करके आप यहाँ पर स्लोमो वीडियो क्रिएट करना सीख सकते हो। ओके, स्लोमो वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद गाइस, अभी आपको ये जो स्लोमो वीडियो पर कैरेक्टर दिखने को मिल रहा है ना गाइस, इसका आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्रिएट करना होगा। और उसके बाद इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्रिएट करना आप सभी को सिखा देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए आप सभी को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा कैपकट एप्लीकेशन का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके आप सभी को दिखाता हूँ क्या क्या आपको काम करना होगा ग्रीन स्क्रीन क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल का डाटा को ऑन करके मोबाइल पे किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर लो कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले। और वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोस वाला सेक्शन पर जाना होगा। देन आपको यहाँ पर ये वाला ग्रीन कलर का फोटो को ऐड कर लेना होगा, और ये फोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो इस फोटो को यहाँ पर ऐड करने के बाद गाइस, अभी आपको ये जो फोटो है इसका अगर आप चाहो तो लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद गाइस, अभी आपको नीचे पे जो ओवरले देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, ओवरले पर क्लिक करना है आपको और ऐड ओवरले कर देना है। और आपका सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो अभी आप वीडियोस वाला सेक्शन पर जाकर आपका जो स्लोमो वीडियो था उसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर लो। और उसके बाद गाइस, अभी आपको ये जो स्लोमो वीडियो नीचे का जो ओवरले लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको नीचे पे कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इनमें से एक ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव बोल के, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद गाइस, अभी आपको यहाँ पर कुछ और करने का जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो, और उसके बाद आपका ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो सेव होने के बाद अभी आपको अपना कैन मास्टर पर बैक आ जाना है। और कैन मास्टर पर बैक आकर के आपको क्या करना होगा कि वो मैं आगे बताता हूँ, रुको। तो अभी मैं कैन मास्टर पर बैक आ जाता हूँ। कैन मास्टर पर बैक आ करके ना गाइस, आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। और गाइस, आपका जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो जिसको अभी आपने यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन पर क्रिएट किया था ना गाइस, वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली से इसको यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपका मोबाइल पे 60 FPS सपोर्ट नहीं करता, तो इसको 30 FPS पर कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस, अभी आपको जाना होगा यहाँ पर क्रॉपिंग पे, और एक्स्ट्रा जो साइड का पोर्शन है इसको आपको क्रॉप कर लेना है। देन उसके बाद गाइस, अभी आपको जाना होगा यहाँ पर क्रोमा की पे, और गाइस आपको इसको इनेबल करके की कलर पर क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इस परसेंटेज को अच्छे से एडजस्ट करके जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव कर लीजिएगा। और देन उसके बाद इस कैरेक्टर को अच्छे से आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से फिट करके रख देना है। देन उसके बाद गाइस, अभी आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये वाला पैक मिल जाएगा, तो इस वाले पैक को डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। और इस पैक को यहाँ पर ऐड करने के बाद गाइस, अभी आपको जाना होगा सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग पे, ठीक है। इसका ब्लेंडिंग पर जाकर इसको आप कर लीजिए स्क्रीन, देन उसके बाद बैक आइए, आकर के इसको कुछ इस तरीके से कैरेक्टर के ऊपर रख दीजिएगा। देन उसके बाद अभी आप जाइए यहाँ पर क्रॉपिंग पे, क्रॉपिंग पर जाकर इसका जो नीचे से हाफ पार्ट को क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद गाइस, अभी आपको 3 डॉट पर क्लिक इसको डुप्लीकेट करना है, और उसके बाद फिर से क्रॉपिंग पर जाना होगा, और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से क्रॉप करना होगा, और ऊपर से क्रॉप कर लेना है, देन कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन अभी आप 3 डॉट से इसको सेंड टू बैक करके दिखिएगा कि कैसा क्लिप हुआ है, तो यहाँ पर यह अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको 3 डॉट से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ फिर से, और उसके बाद इसको मैं अभी 3 डॉट से सेंड टू बैक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो गाइस, अभी यह जो क्लिप है इसके ऊपर क्लिक करके विगनेट को इसका इनेबल कर दीजिएगा। और उसके बाद गाइस, अभी आप जाइए यहाँ पर कलर फिल्टर पे, और नीचे पे आपको एक फिल्टर मिलेगा लो सैचुरेशन बोल के, इसके ऊपर जाकर यहाँ पर L13 कर देना है। और उसके बाद गाइस, आपका जो क्लिप होगा यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस इफेक्ट को जहाँ जहाँ पर आप डालना चाहते हो वहाँ पर इसी प्रोसेस को अप्लाई करके डाल सकते हो, और उसके बाद आपका क्लिप यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से आप अपना क्लिप को कुछ इस तरीके से बना सकते हो। सो गाइस, आई होप कि ट्यूटोरियल वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो गाइस, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।